जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे हैं। आपने देखा है आजकल ये लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं, संविधान की किताब कोई सम्मान नहीं, जेब में रख दो। और ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। हकीकत क्या है ये जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इन लोगों ने बाबा साहब के बनाए संविधान की आत्मा को नोच दिया था, वरना क्या कारण था कि हमारे जम्मू कश्मीर में दो संविधान चलते थे? क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हक नहीं मिलता था जो बाकी देश में मिलता था? यहां हमारे पहाड़ी भाई बहन मैं देख रहा हूं यहां आए हैं, क्या कारण है कि इतने साल तक उनको आरक्षण नहीं मिला? जम्मू कश्मीर में ये एससी एसटी ओबीसी का नाम तक नहीं लेते थे। इतनी पीढ़ियां गुजरने के बाद उनको भाजपा ने आकर के भाजपा सरकार ने आरक्षण दिया। आज ऐसे अनेक साथी हैं जिनको पहली बार वोट डालने का हक मिला है। भारत का संविधान हर किसी को वोट का अधिकार देता है। ये संविधान को जेब में लेकर गए घूमने वालों ने 75 साल तक आप में से कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार छीन लिया था। साथियों, मैं जम्मू कश्मीर की सभी माताओं बहनों से भी कहूंगा, इन्होंने इतने दशकों तक आपको भी धोखा ही दिया है। इन्होंने ऐसे कानून बनाए कि आपको अपनी ही जमीन पर बेगाना कर दिया गया। मैं सभी मुस्लिम बहनों बेटियों को भी एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब हमने 3 तलाक को खत्म करने का कानून बनाया तो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ही इसका विरोध किया था। ये आपके हिमायती नहीं है, ये सिर्फ अपने खानदान का हित सोचते हैं। साथियों, आपके सामने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणाएं भी है और भाजपा का संकल्प पत्र भी है। आपके लिए जानना जरूरी है कि ये लोग कह क्या रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। आपके लिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये 3 खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। 35A वापस आई तो माताओं बहनों के हकों पर फिर वही पुरानी पाबंदी लग जाएगी। आप याद रखिए, इनके घोषणा पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल झलने लग जाएंगे, फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे,
फिर हड़तालें होगी, कारोबार पर ताले लगेंगे, नौजवान बेरोजगार घूमेंगे। क्या आप इनको वो खौफनाक दिन वापस लाने देंगे क्या? वापस लाने देंगे क्या? साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता। भाइयों बहनों, आपको कांग्रेस के झूठे वायदों से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस क्या करती है, कैसी सरकार चलाती है, इसका उदाहरण आप पड़ोस में देख रहे हैं। पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए, वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। आज वहां छोटा सा राज्य, हर कोई सड़क पर है, वहां रोड, पानी, बिजली सब काम ठप पड़े हैं, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पर है, नौजवानों की भर्तियां बंद है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है, और कांग्रेस का शाही खानदान भारत का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपको इनसे सावधान रहना है। ये ऐसे लोग हैं जो सरकारी तिजोरी के दम पर चुनाव जीतने के लिए बेईमानी के हथकंडे अपनाते हैं। ये लोग जनता को मुसीबत में डालते हैं। ये अपनी नीतियों के दम पर चुनाव में नहीं जाते। जब मैं देश को सतर्क कर रहा था, इनके खतरनाक इदारों से सावधान करा रहा था, तब ये सारे लोग मिलकर मेरा मखौल उड़ाते थे, मुझे गालियां देते थे। और आज पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस शासित राज्यों में इतने कम समय में कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई है, और उनके पापों के कारण खड़ी हुई है। साथियों, कांग्रेस की सोच क्या है, उनकी नीयत क्या है, ये उनके अध्यक्ष की बातों से भी साफ हो जाता है। वो यहां आकर क्या बातें करते हैं, मैं यहां आकर के क्या कह रहा हूं कि हम यहां ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यहां के लोगों की भलाई के लिए करता हूं कि नहीं करता हूं। उन्होंने क्या कहा, उनका अहंकार देखिए, अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो? क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका?
2014, 2019, 2024, 60 साल के बाद तीन बार देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया, लेकिन हम सरकार लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं चलाते हैं। हम सरकार देश में भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए चलाते हैं। हम सरकार देश के सामान्य मानवी की भलाई के लिए चलाते हैं। साथियों, जब कोई पॉजिटिव सोच ही ना हो तो फिर उनके लिए जेल में बंद करने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं होता है। वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए दो बात बता के जाते हैं, लेकिन उन्होंने तो जेल भेजने की बातें करके गए हैं। साथियों, ये नफरत दिखाने से ज्यादा और कुछ सोच नहीं सकते। इनकी नफरत का शिकार जम्मू भी रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया है, डोडा के साथ भेदभाव किया है, पूरे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। इन लोगों ने महाराजा हरि सिंह और दूसरे राजाओं को लेकर कैसी कैसी टिप्पणियां की है वो भी आपने सुनी है। ये सिर्फ महाराजा का नहीं, सभी डोगरों का अपमान है। और मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर के लोग ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। साथियों, भाजपा का संकल्प और आपका साथ ही शांति, सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाएगा। इसलिए 18 सितंबर को भाजपा के सभी उम्मीदवारों को यहां मंच पर बैठे हुए मेरे उम्मीदवारों से कहता हूं, सब आगे आ जाएं, आगे खड़े हो जाएं, उम्मीदवार सारे खड़े हो जाएं, आगे जो वहीं खड़े हो जाइए। हाँ, इन सब मेरे साथियों को जीता करके, भारी बहुमत से जीता करके सबके सबको विधानसभा में भेजना है। मैं एक मिनट उनके बीच जाकर के बधाई देकर के फिर यहां आकर मेरा भाषण करता हूं।